हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं साथियों के लिए बनाई है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनको लग रहा है अब क्या किया जाए, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो पास ही नहीं हो पाएंगे और वो सारी किताबें उन्होंने एक तरफ फेंक दी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। और अगर आपने पढ़ चुके हो, आप खासकर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, कर चुके हो, तो बस इसको देख लो रफली, बस अपनी जो नॉलेज है उसको देख लो कि मतलब रिवाइज कर लो कि आपने ये चीजें तो अपने जो बैंक है उसमें इन्वॉल्व किया ही है ना। तो आप चाहे ड्रामा कर रहे हो चाहे नॉवल कर रहे हो, इन चीजों को बहुत ध्यान रखें। तो मैं एक करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे पास हो जाएंगे। आई रिपीट, पास होने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप बोलें कि नहीं जी, आप तो मुझे 60% नंबर दिला दो। नहीं भैया, 40 आपको आ रही है ना, 40 से लेके 50 नंबर के बीच का जुगाड़ हो पाएगा। क्योंकि अगर एक दिन में पास हो जाएंगे और अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, मतलब पास नहीं अच्छे नंबर लाएंगे, तो फिर जो मेहनत कर रहे हैं पूरे साल वो तो बेकार है, उनका तो फिर मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए 40 से 50 नंबर, तो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर एक ये कहता है कि आपको सबसे पहले सभी के सभी थ्योरी आपके पास समझ में आपको आनी चाहिए कि हैमलेट ने क्या कहा है, ठीक है, डॉक्टर फॉसेस में क्या हुआ है, किसी और में क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो पता करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो मेरे पास इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, आप बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने सारी स्टोरीज आपको प्लेस बताए हुए हैं, 2 सेकंड में पूरी छोटी वीडियो ढूंढ लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन फ्री हो जाना। अब आते बात, चलो जी वो भी समझ में आ गया। अब फंसती है गाड़ी दो जगह, एक जो उनके जो स्टैंजाज हैं, एनोटेशंस हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे याद करेंगे, दूसरा जो उनके बारे में जो पूछा जा रहा है उसमें हम क्या क्या चीजें लिखें, क्या हम स्टोरी लिख दें। पर स्टोरी तो मुझे पूरी याद नहीं है, कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं, तो फिर मैं कैसे करूंगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं एक एक करके। तो पहले ही बताता हूं मैं ड्रामा के जो लॉन्ग एसेज क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे किया जाएगा, फिर मैं आऊंगा स्टैंजास पे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं स्टैंजास पे आऊंगा मुझे सब ये रफ करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा तो फिर आपकी ये पूरा मैटर खराब हो जाएगा। पहले तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट बड़ा बेहतर आ जाएगा। एक सेकंड, ये मेरा कैमरा यहां से पकड़ रहा है, अच्छा लाइट आ रही है ना ये वाली, तो ये लाइट को मैं देख रहा हूँ किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लाइट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटिव, ये रहा मोटिव, ठीक है, ये रहा मोटिव, प्लॉट, ठीक है, जॉनरा, ये मैं आपको भी बताऊंगा, ये ले लिया, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आप कहाँ कैसे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो आपसे पूछा गया, मान के चलो मेरे सामने कुछ है ये रहा कि एब्जर्ड थिएटर के बारे में पूछ रहे हैं, थिएटर ऑफ एब्जर्ड, या पूछ रहे हैं आपसे बताइए ट्रेजेडी कैसे, बताइए ट्रेजेडी इन हैमलेट, कभी जो ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर जगह मैं इसी को मतलब शेयर करता हूँ, बताइए उसके बारे में। आपने थिएटर और ऑब्जर्व, एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड मेरे पास, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप कहोगे सर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, आपको मैं चीज़ बताऊंगा। ये रहा, ये नीरज की बुक का ही है, ठीक है, और ये आप देखिए इसमें थिएटर एब्जर्व आ रहा होगा, यहाँ पे अगर आप पास से देखेंगे तो ये रहा ना थिएटर, ये है ना थिएटर ऑफ एब्जर्व, ठीक है, ये आ रहा है। मैंने ये पढ़ा, द थिएटर ऑफ एब्जर्व इज टर्म कॉइंड बाय द क्रिटिक मार्टिन एजलिन, हाँ जी, और मैं लास्ट तक चला गया, लास्ट तक काफी बड़ा पढ़ने का, लास्ट तक जाकर मुझे यहाँ पता चला कि थिएटर ऑफ एब्जर्व के बारे में ही बोल के आ रहा है। मैंने क्यों बताया आपको ये पेज, आप समझिए, आपसे पूछ रहा है थिएटर ऑफ एब्जर्व आपको बताना है, आंसर क्या लिखना शुरू करोगे आप, क्या बताओगे आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो, आपने मेन चीज तो बतानी शुरू नहीं करी। आप बोलोगे थिएटर ऑफ ऑब्जर्व ये है क्या, ये है किस चैप्टर में, ये तो टफ है, बिल्कुल टफ है। इस टफ को आप बेस बनाओ और दूसरी चीज को समझो, वो है ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट मतलब, अब मतलब एक करके समझेंगे। आपसे पूछा हैमलेट जो एक प्ले था वो एक ट्रेजेडी थी, डिस्क्राइब कीजिए, अब उसमें आप क्या बताओगे। सबसे पहले एक वो था डेनमार्क का एक राजा था, उसका ये था, उसका बेटा आया वहां पर, उसके बेटे को दोस्त ने बताया कि गेट कीपर को भूत दिखता है, वो बताता है ये मतलब स्टोरी, देखो मैंने बता चुका हूँ स्टोरी तो आपको आनी चाहिए, भूत दिखता है वो बताता है कि आपके पापा मतलब हैमलेट के पापा को उसके भाई ने क्लॉडियस ने मार दिया, ये आपसे पूछा क्या गया पहले, ट्रेजेडी, ठीक है। आपको शुरुआत ऐसे करनी है, पहला पन्ना मीन्स ये मार के चलो, ये आप जब लिखना शुरू करोगे तो ये वाला, ये तो क्वेश्चन पेपर ही दिखा दिया मैंने, चलो आप एक समझ लीजिए, ये मान लीजिए इसको एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाइट पन्ना है, ठीक है, ये वाइट पन्ना, ये वाला पन्ना जब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से
और ये दूसरा वाला, इसको आप कम से कम वो बातें बताओगे जो पूछी गई है। टीचर को पढ़ते ही लगना चाहिए कि जिससे पूछा गया उसका आप जवाब दे रहे हैं। आऊंगा मैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी कि भाई सर ट्रेजेडी के बारे में हमें कुछ पता ही ना, तो हम लिखेंगे क्या, मैं वही बताने वाला हूँ। पहली बात, आप अगर ट्रेजेडी के बारे में समझते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, जो पूछा गया उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा टीचर को उसके बारे में बताइए। आपको नहीं आता तो भी कोशिश कीजिए, जितने भी आपको जिंदगी में उस चीज से रिलेटेड आपको पता है आप वो पहले बताइए। पूरी की पूरी उनको कहानी मास्टर आंसर की तरह मत, मुझे मास्टर आंसर के चक्कर में 3 बार फेल करवा दिया गया, मास्टर आंसर तैयार कर लो मास्टर आंसर। और जब मेरी एक फ्रेंड पास हुई तो मैंने उससे पूछा, यार मैं तो फेल हो जाता हूँ, बल्कि वो मुझसे ही पढ़ रही थी बाकी सब्जेक्ट, तुम कैसे पास हो गई? उसने बोला कि तुमने मैमजी ड्रामा के बारे में कुछ पूछा नहीं, तो जो पूछा गया मैंने वो पहले लिखा। मैंने कहा मेरे से गलती हुई, फिर मैंने वो चीजें कही, मैं पास हो गया, अच्छे नंबर भी आए। आपसे पहले जो पूछा जाए आप पहले उसका जवाब दोगे, उसके बाद फिर उसमें आप इन्वॉल्व। थोड़ा इशू हो गया था, दोबारा से वीडियो चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना यह है कि जो पूछा जाए कम से कम एक पेज में। अच्छा, जब आप उस एक पेज को लिख लें उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो क्योंकि लंबी बनेगी इसको आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, अदरवाइज देख लीजिए आपकी, मैं आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करके जाइएगा अगर मेरी मेहनत आपको ठीक लग रही होगी तो, ठीक है? जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एक बात समझिए, जब आपने इतना लिख लिया तो आपको बीच बीच में समरी भी लिखनी है, जो भी प्ले है उसकी समरी भी आपको चिपकानी है, क्योंकि ट्रेजेडी आप जब बोल रहे हो तो किस थोड़ी समरी भी तो बताओगे, ऐसा हुआ कहानी के अंदर, ऐसा हुआ थोड़ा सा आप समरी भी डालिए ताकि पेज भरें। 6 पेज भरने आसान नहीं है, 1-2, 1-2, 1-2 करके 6 पेज भरने, उसके बाद उसके अंदर आप उसकी थीम भी मेंशन कीजिए। अगर आप कर पाए तो लिखते लिखते ये बताइए, थीम का यूज करिए, थीम का आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि हम ट्रेजेडी के अंदर इस तरीके से, क्योंकि ये था तो थीम इसकी इस तरह से बन रही है और ये है वो है, आप इसको पेज को ऐड करिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है मैं इतना टैलेंट नहीं है मुझमें, तो आप अलग से हेडिंग बनाइए थीम की और बस लिख दीजिए उनको। टीचर प्रोफेसर साहब को पता कि थीम पूछा नहीं गया बट ये ऐड कर रहा है। सबसे बेहतर काम तो यही है कि आप जो लिख रहे हैं उसी में आप थीम को ऐड करें खूबसूरत तरीके से, कैसे क्या करना है लास्ट में और धीरे धीरे मैं बता ही रहा हूँ। उसके बाद आप प्लॉट भी जरूर मेंशन करेंगे, ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं आप प्लॉट ना बताएंगे तो गड़बड़ है, आप प्लॉट भी बताएंगे, ठीक है? आप बहुत सकेंगे मोटिव कहाँ से लाऊं मैं, थीम कहाँ से लाऊं और मोटिव भी बताओ, प्लॉट कहाँ से लाऊं, कुछ नहीं करना, गूगल पे 1 मिनट में टाइप कर देना है मोटिव इन डॉक्टर फॉस्टेस, मोटिव इन हैमलेट, आपको 1 नहीं 50 मिलेंगे। थोड़ा एफर्ट्स तो आपने भी करना पड़ेगा, हम वीडियो बना रहे हैं ऐसे बैठे, छुट्टी का दिन है, अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि आप लोगों को आए, और मेहनत करनी पड़ेगी नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। जॉनरा कौन सा ये आप जरूर लिखिएगा, ठीक है? इससे इंप्रेशन अच्छा जमता है, इनको ये भी पता है, ठीक है? लिटरेरी डिवाइस, कोट्स कौन कौन से कोट्स हैं वो जरूर आपने मेंशन करनी है, ठीक है? और बड़े ही बेहतर तरीके से करते करते आंसर को लिखते हुए आपको कोट्स लिखनी है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और इस बात को उन्होंने ये कोट्स भी बड़ी फेमस कोट्स भी है इसमें इस बात को लेके, अच्छा कौन से कोट्स हैं तो वो कोट्स करिए। अब कोट्स तो मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन के पेपर के अंदर आपको पता है, जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये वाला ड्रामा का पेपर नहीं, ये वाला नहीं है, तो आई बिलीव ड्रामा का ये वाला है क्या, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है? तो शुरू में कोट्स आती है जैसे कि ये वाला कॉन्टेम्पररी वाला, तो इसमें कोट्स आती है, यहाँ से चुरा लीजिएगा एटलीस्ट इसकी, तो कोट्स तो लिखिएगा, अच्छा लगेगा उनको, तुम्हें पता है। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एनालाइज जरूर कीजिएगा, एप्रिसिएशन में तारीफ करनी होती है उनके वर्क के बारे में, इनके ये बारे में, अगर कर पाते हैं तो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कर पाते हैं तो, मैं थोड़ा सा कोशिश ये मान के चल रहा हूँ आप कुछ कर पाओगे, ठीक है? आपने कुछ नहीं पढ़ा पता है मुझे। कंक्लूजन लगा दीजिएगा, करेक्टर चार्ट जरूर बताइएगा, अब वो कहोगे कि करेक्टर के नाम भी ना पता मैं तो, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। डायग्राम यूज कीजिएगा, उसका जो जो मोस्ट प्रोटागोनिस्ट है उसको जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं कि प्रोटागोनिस्ट, कई बार तो ये पूछ लेते हैं, जैसे हैमलेट बड़ा फेमस है, मैंने हैमलेट को बहुत ज्यादा मतलब उस पर काम किया, तो वो कह देते हैं कि क्या हैमलेट के अंदर क्लॉडियस प्रोटागोनिस्ट है या फिर हैमलेट जो हैमलेट है वो प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, मेन करेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है, हीरो की बात नहीं कर रहे, कहानी जिसकी घूम रही होती है इर्द गिर्द, ठीक है? उसके बाद जो राइटर है वो कौन है, किस तरह से उसका काम है, उसने कौन कौन से प्लेज लिखे हैं, उसकी जो अर्ली लाइफ है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, उसको आप कोशिश करें लिखने की। अब आप बोलोगे मान के चलो जी हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम कैसे करेंगे, हमें तो ये सब आता ही नहीं है। अगर आपको
कहानी थोड़ी थोड़ी आ रही है तो कहानी को आप 5 प्ले कर लीजिए। मेरे दोस्तों अभी टाइम है, वीडियो अपलोड हो जाएगी 3 बजे तक, तो आपके पास फिर भी काफी 7-8 घंटा, पूरी रात का टाइम है, पूरी रात पढ़िए, पेपर देने के पास हो जाइएगा आके, ठीक है, आप करना तो पड़ेगा। आप डॉक्टर फॉस्टेस, एक प्ले डॉक्टर फॉस्टेस का कर लीजिए, हैमलेट की समरी पढ़ लीजिए, मिड समर नाइट की समरी पढ़ लीजिए, आप द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इसकी समरी पढ़ लीजिए, आपको लुक बैक इन एंगर इसकी समरी पढ़ लीजिए, 5 तो यही मैंने आपको बता दिए, ठीक है। पिग्मेलियन ये भी अच्छा है, इसको पढ़ लीजिए, ये बहुत बेहतर है, 6 प्ले तो इतने आसान से है। अल्केमिस्ट मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, 7वां अल्केमिस्ट हो गया, ठीक है। और मर्डर इन कैथेड्रल मेरे समझ में नहीं आता, मुझे मजा ही नहीं आता। और एक लास्ट में नन अदर देन वेटिंग फॉर गॉडॉट, मैं इनको मेरे समझ में ही नहीं आता, तो मैं तो इनको नहीं रिकमेंड करता, मैं तो इनको करता हूँ 6 में से कोई कर लीजिए, इनकी समरी पढ़ लीजिए, बहुत सारी दी हुई है आराम से, मैंने खुद वीडियो बनाई है 2-4 चीजों की, और मेरी शॉर्ट वीडियो उसमें देख लीजिए, करेक्टर्स के नाम रट्टा मार लीजिए, आपने समरी रट ली आज, करेक्टर के नाम कर लिए और पेपर में लिख लिया सबकी थीम मोटिव प्लॉट जॉनरा, अलग से पेज ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप ये बनाइए, मतलब हर उसका प्ले का नाम और 2-2 पन्ने उनके भरने हैं आपने, उनकी इन चीजों के, इन चीजों से मतलब करेक्टर लिस्ट, ठीक है, ऑथर कौन था, उसने क्या क्या दिया, वर्क कौन कौन सा दिया, उसके 2-3 प्ले लिख लीजिए जुगाड़ करके, कैसे करके, टाइम कौन सा था, पीरियड कौन सा था, उस पीरियड जो पीरियड आप लिख रहे हो एलिजाबेथ कौन सी एज थी, ठीक है, उस किस एज में लिखा गया यार, मतलब जो एज है, ठीक है, किस एज में वो लिखा गया, ये बड़ा अच्छा एज, उस एज में क्या हो रहा था, थोड़ा सा वो लिखिए, तभी तो एक पन्ना और बढ़ेगा, नहीं तो आप क्या कर पाओगे, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ये चीजें और जोड़ दीजिएगा, भाई ये बात इसलिए क्योंकि मतलब आपको थोड़ी कला आनी चाहिए लिखने के, क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, कोई मैटर तो उतना आपके पास है नहीं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या क्या लिखते हैं मैंने वीडियो बना चुका हूँ, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इट इज नॉट ऑल अबाउट कि मेरा चैनल, ठीक है, चैनल ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा मोटिव है कि आप अच्छे नंबर ले आओ, एटलीस्ट पास तो हो जाओ। लास्ट में कंक्लूजन, जो भी कुछ पूछे अपना कंक्लूजन तो हर किसी का होता है, इंडिया मार्क भी अपनी राय तो रखता ही है, चाहे किसी को आता हो ना आता हो अपनी राय जरूर रखता है, कहते ना नॉलेज ना भी हो सिंगिंग नहीं आती पर बताएंगे जरूर अच्छा गा रहा बुरा गा रहा है, तो ये आप समझ लीजिएगा। और जो भी चीज आपको लगता है कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग डाली उसको अंडरलाइन लिखना कभी ना, अंडरलाइन करना कभी ना भूलें। ये तो मैंने आपको लॉन्ग आंसर की बताई, कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में कर दीजिएगा, बता दूंगा, पर जब तक मैं बताऊंगा पेपर भी हो चुका होगा, तो ज्यादा कोई मतलब इसका रहता नहीं, सच्चाई तो यही है। हाँ, आने वाले साथियों के लिए जरूर फायदा हो जाएगा, बस आने वाला वो साथी आप ना होने चाहिए, पता लगे अगली बार दिसंबर में भी आप ही दोबारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये मुझे कोई खुशी नहीं देगा कि आप दोबारा से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ नया बैच आए, नए सिरे से बच्चे हैं, ठीक। अब बात आती है कि सर जो फिर आरटीसी कैसे करेंगे, आरटीसी के बारे में तो आप कुछ बताइए, बिल्कुल मैं बताने बैठा हूँ, यहीं पर ही बैठा हूँ बताने के लिए, और आज मैं आपको आरटीसी रटा भी दूंगा, जब आपने इतना टाइम मुझे दिया है तो रटाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं देख रहा हूँ कि जो चमक है थोड़ी सी कम हो जाए, तो अगर मैं इतना कर दूं तो नहीं हो पा रहा ना यहां से, चल कोई नहीं मैनेज कर लीजिएगा, मैं आगे देख लूंगा इसको। सबसे पहले जो हम आरटीसी करेंगे, मतलब आरटीसी जो इसकी वो है जो एनोटेशन से स्टेंजाज, इसको आप रट लीजिएगा, जितना बोल रहा हूँ उतना ही एटलीस्ट कर लीजिएगा, तो आपका भी काफी काम हो जाएगा, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट तो बन ही जाएगा ना, ठीक है, आपको पता तो है ना लिखते कैसे। सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखते हैं, मैं इसको अलग से कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या रेफरेंस डाल देना अगर आपको ज्यादा याद नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है आप रेफरेंस डाल दीजिएगा। रेफरेंस के अंदर एक लाइन होती है, द लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले समथिंग समथिंग दैट वाज रिटन बाय, ठीक है, दैट वाज ही लगाइएगा, ठीक है, इट इज कैसे हो जाएगा, किसी ने याद मुझे बोला मैं कंफ्यूज हो गया। दूसरा उसके बाद रेफरेंस के बाद आप डाल सकते हैं अबाउट ऑथर डाल सकते हैं दोस्तों, आपको अबाउट ऑथर अबाउट राइटर डाल देना, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, ठीक है, आप अबाउट राइटर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट डालिएगा, फोर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों, वो तो करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन में आई मत लगा दीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन होता है। किथ के अंदर आप क्या डालेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन शॉर्ट वाल लॉन्ग, छठे में आप क्रिटिकल कमेंट डाल दीजिएगा, सातवां कंक्लूजन तो आप लिखेंगे, ये चीज तो आपको मतलब ये आपको लिखनी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको नंबर जो है वो 5 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप ये जरूर लिखिएगा, और इसके साथ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, करिएगा भाई आपकी मर्जी है, इसमें और मैं क्या बताऊं,
इसके अंदर अबाउट राइटर के अंदर ही एक एज वगैरह भी लिख दीजिएगा, कौन सा उस समय एज वगैरह चल रही थी, उसकी राइटिंग वगैरह क्या थी, ये सब। और कॉन्टेक्स्ट के बहुत सारे साथी बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सभी आजकल एक वायरल होती है एक लाइन, एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, एक गजब बेइज्जती है, एक वर्ड है गजब बेइज्जती, अभी बात ही हो रही थी। और पंचायत जो एक आपकी वेब सीरीज है ये उसका है, तो अगर आपसे कोई पूछे गजब बेइज्जती है, इस पर कुछ लिखिए, बताइए गजब बेइज्जती है, ठीक है। तो अब आप उसमें गजब बेइज्जती में खाली कैसे बताएंगे, आप बताएंगे ना भाई कॉन्टेस्ट क्या है। कॉन्टेस्ट ये है कि एक दूल्हा है, उसकी बारात जाती है, और एक जो वहाँ पर एक पर्सन है जो लड़का शहर का है वो वहाँ पर रह रहा है, एक अधिकारी है छोटा मोटा, तो वो फोर्स करते हैं कि बारात वहाँ रुकेगी, फिर वहाँ पर उसकी कुर्सी के लिए, जैसे भी आप समझ रहे हो ना, मैं पूरी डिटेल नहीं जा रहा, कुर्सी के लिए वो बोलता है, फिर वो कुर्सी अपनी नहीं देता, दूसरी को चेयर दे देता है, तो फिर उसको लगता है कि तो मेरी बेइज्जती होगी, तब बोला वो गजब बेइज्जती है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर गजब बेइज्जती पे एक्सप्लेनेशन के अंदर भी ये चीज़ें तो आप ऐड ही ऐड करोगे, थोड़ी और चीज़ें भी ऐड करोगे, ठीक है। एक्सप्लेन करोगे आप उसको लाइन्स को, उसने क्या कहा, गजब बेइज्जती बोली गई, इस पर क्या जरूरी था, इसका ये जरूरी था या वो जरूरी था, यही है, बहुत कुछ नहीं है इतना मुश्किल के भाई आप सोचो कि ये जो जो स्टेंजास है इसके अंदर मतलब कोई 50 लाख मतलब कहते हैं ना 50 लाख 100 किलो वजन उठाना है, बस आपको तरीका आना चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर अगर आपका हो गया तो आपको फिर कोई दुनिया में कोई ताकत भी आपको फेल तो छोड़ो अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। ये क्लियर हो गया कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर आप याद रखिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा लिखनी है, कभी वो उसको अप्रिशिएट क्रिटिकली ना करने लगे, ये अच्छा ये बुरा ये अच्छा नहीं, उसमें चीज़ें क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर हम बेटर चीज़ें बताते हैं, आप डालिएगा आप देखिएगा, अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे साथी पूछते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में करनी तो बुराई थी तो तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता बुराई करनी थी, आप उनको बताते हैं उनका लिखने का तरीका होता है। क्रिटिकल मतलब टेक्निकल, आप उसको टेक्निकल उसके बारे में बता रहे हैं, राइटर के बारे में टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, उन्होंने इतने प्ले लिखे, ये लिखने का तरीका था उनका, ये था इनका वो था, और स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखेगा, ये बात हो गई, ठीक है। ये आप कर लोगे आराम से कर लोगे। अब बताता हूँ मैं आप सीधा सीधा कौन सी स्टेंजा किसका है, बाकी चीजें तो आपको क्वेश्चन में तो लिखा ही रहता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले और चीजें दे रखी है, पर मैं उसमें ना जाके मैं आपको बस एक सिंपल सा बताऊंगा जो फेमस है, ठीक है, जो फेमस स्टेंजास की लाइन है वो सबसे पहले मैं शुरुआत में आपसे करूंगा। एक तो सबसे पहला फेमस है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मैं इसको और पूरा नहीं बताने वाला, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। ये बेटा हैमलेट जो प्ले है उससे लिया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिट है, बार बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में आता है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इसको आपने जरूर करना है, ठीक है। एक और है मुझे याद आ रहा है, दे नो दे डोंट नो डू नॉट नो, कई बार इस तरह से लगा देते हैं थोड़ा सा आपका मतलब आपको परेशान करने के लिए। तो ये मर्डर इन कैथीड्रल, ठीक है, इलियड ने लिखा है मर्डर इन कैथीड्रल। ऐसे ऐसे कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा पढ़ पढ़ के, आपको ये समझने, ठीक है। ये हो सकता है इस बार पेपर में कल ही आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि ये कल आ जाए, ठीक है। ये वो है जो मतलब बिल्कुल पागल कर देते हैं आपको। एक क्वेश्चन आता है कि भाई कहते ना सनी डेटा वाला शाहरुख खान वाला कि हर दिन हम जीते हैं हर दिन हम मरते हैं, वन डे वी लिव वन डे वी बॉर्न वन डे वी डाई, तो वो किसका, वेटिंग फॉर गॉडॉट का, ठीक है, मैं भी बताऊंगा उसको, ठीक है, सैमुअल बकेट ने वो लिखा है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करिएगा, अभी टाइम है आपके पास थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आपको 2021 से शुरू कर रहा हूँ छोटी छोटी चीजें करके, और आपका रिवीजन करवा देता हूँ स्ट्रांगली, जिनको आता है वो चेक करें, जिनको नहीं आता वो बेटा उसको वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखें, हिम्मत बिल्कुल ना हारे कि आपको नहीं आता। मैं ये लाइन लगा देता हूँ ताकि बॉर्डर लाइन मुझे पता चल जाए कि मुझे इससे आगे नहीं जाना, ठीक है, ये मेरी बॉर्डर लाइन, ठीक है। जब ऑनलाइन थोड़ा टेक्निकल भी समझना पड़ता है आपको, ठीक है, आप समझ गए, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, आप इसको पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या लिखना है, ठीक है। सी ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्रिटिकल कमेंट कंक्लूजन, ये आपको पता ही है, ठीक है, लग जाएगी बेटा हिलाओ में। पहला देखिए, पहले इन्होंने बोला है ओ, ठीक है, माई ऑफेंस, मुझे सारा याद नहीं, कभी कुछ लोग मुझे समझाने बैठे सर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो दूसरों में कमी हमेशा निकालते रहोगे तो बस हो गया काम। ओ माई ऑफेंस, ठीक है,
ऑफेंस से बात कर रहे हैं, ऑफेंस जुर्म करना, ऑफेंस मतलब जुर्म करना। कौन जुर्म कर रहा है हमारे 9 प्लेस के अंदर? जुर्म तो मॉडर्न कैथेड्रल में भी कर रहा है, वो जाके मार रहा बिशप को, उन पादरियों को मार रहा है, तो वो जुर्म है। और कौन जुर्म कर रहा है? जुर्म का मतलब तो है किसी को मार रहे हैं, या हेमलेट के अंदर जुर्म हो रहा है, बाप मार दिया। डॉक्टर फोस्टर में तो ऐसा कोई जुर्म हो नहीं रहा, हाँ थोड़ा बहुत कह दोगे तो वैगनर ने जुर्म किया। मैं नाम इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, आपको इसलिए हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने, ठीक है। तो ऑफेंस का आते ही आप समझ लीजिएगा हेमलेट का है, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे जाके मैं बता रहा हूँ, इसमें आगे जाके आप ब्रदर, आप ब्रदर्स, ठीक है, मर्डर जो साथी ये बोल रहे होंगे सर आप पहले से इसको लिख देते तो हमारा टाइम बचता, तो बेटा इसकी वीडियो पहले बनी हुई है, उसे जाके देख लो अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी आज भी टाइम नहीं पढ़ने का। जब मैं इसको लिखूंगा बोर्ड पे, मैं हमेशा बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है मुझे, ये स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह पे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड लूँ, कभी मेरे पास हुए आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा तो और बेहतर बड़ा पता मतलब बता पाऊंगा, तो फिलहाल काम चलाना पड़ेगा। तो माई ऑफेंस और ब्रदर्स मर्डर आंख बंद करके समझ लेना बेटा कि ये हेमलेट का है। लिखा किसने हेमलेट को? विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है, विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग भी देख लेना। अगला है व्हाट बूट इट देन टू थिंक ऑफ गॉड और हेवन, ठीक है, मैं खुद लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बूट आ गया बेटा, इट देन, बेटा बेटा बोल रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, बच्चों को पढ़ाने की आदत है मुझे, 10th 12th को मैं पढ़ाता हूँ, 10th को और छोटे क्लासेस को पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिशन में पढ़ाता हूँ। टू गॉड, थिंक ऑफ गॉड, ठीक है, और हेवन, ठीक है। अब आप देखिए गॉड भी आ गया, हेवन भी आ गया, और लास्ट में जाके वर्ड आएगा जो है बिलजीबब, ठीक है, बिलजीबब, ये वर्ड आप जरूर इसको देख लीजिएगा, ये डेविल का चीफ होता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने दर्दन किसी और का नहीं, ये है डॉक्टर फोस्टेस का। ये वाली पीडीएफ हमारे किसी साथी ने ही दी थी हमारे ग्रुप में, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं एक दूसरे साथियों के लिए। तो ये पीडीएफ का मैंने प्रिंट निकाल दिया था, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप कह रहा हूँ वो मैसेज कर देना, वो मैं बता दूंगा उसके अंदर, किसी को आपको देखने की जरूरत नहीं, कहीं भी इतना टाइम खराब करना है, आप आराम से उसमें जाइए और समझ लीजिएगा। एक वर्ड है, एक वर्ड है के गैलेटिया, ठीक है, गैलेटिया नेवर डज क्वाइट लाइक, किसके लाइक नहीं है, पिग्मेलियन के, ठीक है, पिग्मेलियन, तो आपको समझ में आ गया पिग्मेलियन, ठीक है, पिग्मेलियन वाला ये जो आपका प्ले है उससे लिया गया है। पिग्मेलियन को बता दूं जिसको समझ में नहीं आता, पिग्मेलियन में प्रोफेसर होते हैं, एक लड़की रोड पे होती है, फूल बेच रही होती है, उसको उठा लेते हैं, उसको बेटर करते हैं, बहुत अच्छा करा देते हैं उसकी लाइफ को, इसी के बारे में प्ले, वो मैं बता चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। एज इमेजिनेशन, वर्ड आ गया इमेजिनेशन मेरे बच्चों, भाई लोगों, बहन लोगों, तो इमेजिनेशन मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, जैसी इमेजिनेशन आपके पास वर्ड आएगा आपको कहीं नहीं जाना, आप समझ जाएंगे मिडसमर नाइट ड्रीम, ड्रीम में हम इमेजिनेशन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने ना इस तरह से कुछ पीडीएफ है जो आपको दिए हुए हैं, मैंने एक क्वेश्चन है थिएटर ऑफ ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कुछ नहीं बस समझना है कि थिएटर ऑफ ऑब्जर्व होता क्या है। जब आप समझ जाओगे थिएटर ऑफ ऑब्जर्व होता है तो आप आराम से इसको लिख लोगे और चीजों को आप कर पाओगे, फिलहाल इतना ही करा पाऊंगा मैं, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी आपको मैंने बताया दिया, और एक वर्ड है कि वुमेन के ऊपर, ठीक है, कि वुमेन जो होती हैं, वुमेन जहां भी होती हैं, मतलब वुमेन, वुमेन के ऊपर जब भी आएगा तो आप कोशिश यही कीजिएगा वुमेन नाम आते ही आप फीमेलन की तरफ पहले जाएं। एक वर्ड है इसमें कि भाई आई थिंक अ वुमेन फैचिंग ए मैन स्लीपर, मुझे लगता है कि एक औरत एक आदमी की और मतलब मर्द की चप्पल खींच रही है, तो चप्पल जब भी ये आपको समझ में आए तो सिंपल 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 पिग्मेलियन, आपको आंख बंद करके सोचना नहीं है। कहीं पर हेवन वर्ड आए, हेवन वर्ड आए, हेवन हेवन आए, हेल आए, मीफिस्टोफिलिस तो आप पढ़ लोगे, मीफिस्टोफिलिस, ठीक है, फिलिस, ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था पर मैंने लिख लिख के याद कर लिया, पर इसमें नंबर नहीं कटते पर आप फिर भी ध्यान से तो लिखेंगे ना, ठीक है। इसको आपको जरूर देखना है कि भाई इस तरीके से इमेजिनेशन वर्ड आया, ये आया, ग्रेव आ गया, ग्रेव तो ग्रेव को आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा उतना नहीं है, लेकिन हाँ कहीं बर्थ वर्ड आ गया, बर्थ, आई रिपीट, बर्थ, बर्थ वर्ड आ गया, मरना जीने की थोड़ी फिलोसफिकल बातें आ गई,
आंख बंद करके वेटिंग फॉर गॉडॉट के अंदर ला दोगे। वेटिंग फॉर गॉडॉट की कहानी यही है कि दो पर्सन है, टोटल चार उसमें कैरेक्टर है। दो पर्सन दो पहले दिखाई देते हैं, दो बाद में दिखाई देते हैं। मुझे पता पर मुझे मजा ही नहीं आता, अच्छा नहीं लगता वो जो प्ले है उसमें। फिर वो यही वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं भाई, पू जो है इसके अंदर और लोग भी हैं, किसका वेट कर रहे हो आप। उसमें इसकी जो कोट्स वगैरह बहुत अच्छी है, ठीक है, वाल्डेमिर वगैरह भी इसमें है, इन्वॉल्वमेंट है। तो बोलता कि मैं किसका नहीं, गो डॉट मतलब देखो, गो डॉट पढ़ते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, गो डॉट ही पढ़ रहे हो, मतलब गॉड भगवान का वेट कर रहे हैं। और कई बार हम एक होप का वेट कर रहे हैं, बताना ही चाह रहा है, एक होप है जो आनी है, लेकिन होप तो होप होती है, वो आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, ठीक है। कुछ समझा पाया मैं आपको, बिल्कुल समझा पाया मैं आपको। उसके बाद आपके पास कोई भी अगर वर्ड, अगर गॉड आ गया, ठीक है, देखो इसमें एक लाइन है कि आप पढ़िएगा इसको, आपको समझ में आएगा ये। ऑन दिस मैं बता देता हूं, खुद ही बताता हूं, इसे तो समझ में नहीं आएगा। ऑन दैट दिस टू, ऐसे करते करते लास्ट में ये कह रहा है कि गेन स्लॉटर। आपको जब भी स्लॉटर वर्ड आएगा, SLAUGHTR, स्लॉटर मतलब वध करना, स्लॉटर में वध करना। वध तो इस पूरे प्ले में दो ही जगह हो रहा है, या तो फिर वो मर्डर इन कैथेड्रल में जा रहा है, कौन, बिशप को मारने, जो वो है किंग है वहां का, या फिर भैया इसमें चाचा ने भाई को मारा, या भतीजा चाचा को मारना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो स्लॉटर, यहाँ सेल्फ स्लॉटर की बात आई, खुद मरना। राजा खुद क्यों मरेगा भाई, राजा खुद तो वो पर्सन मरेगा जिसको लग रहा है कि मेरी मम्मी को मेरे चाचा ने फंसा लिया या शादी कर ली, उसे फील होगा। तो नन अदर देन आपको स्लॉटर का ट्रिक बता दी, स्लॉटर जब भी आएगा वो हैमलेट का ही होगा, 99% मेफिस्टोविल्स आएगा, तो आपको बता ही दिया मैंने क्या होगा, ठीक है। थैंक यू वर्ड लास्ट में अगर आ गया, थैंक यू कौन बोलता है, राजा कभी थैंक यू बोलेगा, थैंक यू कहीं वर्ड नहीं आएगा राजा की दुनिया में, हैमलेट की दुनिया में कहीं कोई थैंक यू वाला काम ना हुआ कि कोई बोले थैंक यू, कोई अच्छा काम ही ना हुआ, हैमलेट है ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर आप कह सकते हो थैंक यू वर्ड, शायद थैंक यू लास्ट में बोला गया इसमें, जिसपे एक स्टैंजा है, ट्रिक बता रहा हूँ कि थैंक यू कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने बोला होगा मेफिस्टोफेल्स के लिए कि भाई तूने मेरी इतनी मदद करी, कहीं ना करी, वो तो नौकर, नौकर को थैंक यू कौन बोलता है यार। फिर आप बोलोगे कहीं ऐसा तो नहीं पिग्मेलियन में लड़की ने थैंक यू बोला ही नहीं, वो तो बवाल रहा, तो थैंक यू वर्ड उस तरह से आप उठाओगे नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर कहा थैंक यू होगा, तो थैंक यू का मैंने इतनी कहानी सुना के बता रहा हूँ, पति और पत्नी आपस में थैंक यू वर्ड यूज किया गया। तो लुक बैक इन एंगर, ठीक है, इसके अंदर जिमी वगैरह है तो ये उसका है। पांच आते हैं तो इनको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने मोस्ट बढ़िया बढ़िया आपने कर रखे हैं, ठीक है। टेम्पटेशन, एक वर्ड आता है टेम्पटेशन, प्रलोभन, लालच, ठीक है। जब भी ये आएगा टेम्पटेशन, ये बड़ा वैसा खतरनाक लगता है, आप आंख बंद करके मर्डर इन कैथेड्रल, आंख बंद करके इसको कर लेंगे, मर्डर इन कैथेड्रल। फिर वुमेन वर्ड कहीं आ गया, वुमेन, ठीक है, तो आप किसको उठाओगे वुमेन के अंदर, किसको लोगे वुमेन, औरत, लोग बहन एंगर, औरत का काम, ऐसे तो फीमेल सभी में, लेकिन स्पेशली अगर औरत की बात हो रही है तो पिग्मेलियन में आप आंख बंद करके काम करेंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, और बताइएगा कि स्क्रीन के अंदर ज्यादा मजा आता है बोर्ड पे अच्छा लगता है, मुझे तो बोर्ड पे ज्यादा कंफर्ट लगता है, मुझे लगता है कि आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। दिस नाउ वॉचिंग टाइम ऑफ नाइट वैन बिजनेस बिटो द बुट, 2020 में जून में है पहला ही जो है वो हैमलेट का है, लेकिन हैमलेट के अंदर इसको पकड़ पाना एक बार में इतना इजी नहीं है। बट इसमें एक लाइन है, नॉट कुड आई ड्रिंक हॉट ब्लड, हॉट ब्लड आप समझ रहे हो, खून पीना, खून कौन पिएगा, आप कुछ सोचो, खून पीना मतलब खून कोई किस तरह से इसको डिस्क्राइब करोगे। सच बीटर बिजनेस एज द बीटर डे वुड क्वैक टू लुक ऑन, बीटर बिजनेस है, बीटर डे है, ठीक है, तो खून कौन पिएगा, बीटर बिजनेस, बीटर डे, बीटर बिजनेस। इसकी ट्रिक मैंने बनाई, इसको कल तक याद कर लेना, इसको फिर बाद में बेशक भूल जाना। कड़वा दिन कब होगा, जब दुख ही होगा आदमी, खून कब पी रहा है कि अपने, मैं अपना खून ही पी रहा हूँ गुस्से के मारे, तो जब बहुत कुछ बुरा हुआ हो। बस पूरे इस पूरे हमारे नाइन प्लेस के अंदर ऐसा कोई बड़ा बवाल सिर्फ एक में हुआ जहां पे बंदा अपना खून पी रहा, कौन है आपको पता ही, हैमलेट, हैमलेट में हुआ, मम्मी चली गई रे, मम्मी भाग गई चाचा के साथ, तो ये बहुत बुरी चीज है, ठीक है, जस्ट फॉर फनी आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड, ठीक है बेटा। अगला नाउ फॉस्टेस, वर्ड ही फॉस्टेस से शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनना, एक लाइन सुनना, इसने बोला वन डे व्हेन आई एम नॉट लॉन्गर स्पेंडिंग माय डेज रनिंग ए स्वीट स्टॉल आई मे राइट अ बुक अबाउट अस ऑल इट विल रिकलेक्टेड इन फायर एंड ब्लड माय ब्लड की बात कर रहा है।
तो आपको लगेगा ब्लड की बात तो या तो डॉक्टर फॉस्टेस में हो सकता है या किस में हो सकता है, ये हेमलेट में हो सकता है। अब इसका कॉन्टेस्ट देखना, वन डे व्हेन आई नॉट लॉन्गर स्पेंडिंग माय डेज रनिंग अ स्वीट स्टॉल, जब मैं स्वीट स्टॉल वगैरह पे नहीं रनिंग करूंगा या उसमें वहां टाइम नहीं दूंगा तो मैं किताब लिखूंगा। भाई किताब कौन लिखता है, जो पढ़ा लिखा है डॉक्टर फॉस्टेस कहीं ना किताब लिखना। इसमें सिर्फ और सिर्फ किताब लिखने के बाद लुक बैक इन एंगर जिमी के द्वारा हुई, ठीक है, करेक्टर्स को और क्लियर कर लीजिएगा, बट आप भी देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा, वीडियो अगर देखा होगा, नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं पता, प्लीज भेज दीजिएगा किसी साथी को, जरूरतमंद को। मैं नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब ही करें, पर एटलीस्ट उसके पास भेज तो दें ताकि वो पास हो जाए, जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगी उतना ही फायदा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और सब्सक्राइब करें तो मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप खुद सोचिए ना कि कितनी मेहनत करके हम अरेंज कर रहे हैं, तो प्लीज इतना तो दे दीजिए हमें, हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है, देखो कितना अच्छा है, आप पकड़ लेंगे। अभी तक जो बच्चे बिल्कुल डर रहे हैं, वी हैव ओनली टू कॉन्कर, हमें सिर्फ जीतना है। नाउ बाय सफरिंग के मतलब थ्रू, सफरिंग किसी को कष्ट देना, दिस इज द इजियर विक्ट्री, ये बहुत आसान जीत है। किसी को दुख दे दो, परेशान कर दो, ये तो जीत है। नाउ इज द ट्रम्प ऑफ द क्रॉस, जब भी आप कॉन्कर की बात कर रहे हैं और आज ये वर्ड ढूंढ लेंगे तो आप समझ लीजिएगा, किसी को कष्ट दे के जीतना। और किसी में किसी को कष्ट दे के जीतने में नहीं बोला, हैमलेट में बोला मारूंगा, क्लॉडियस उसमें डॉक्टर फॉस्टर मजे कर रहा है, ठीक है, पिग्मेलियन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कष्ट दे रहा है वो तो अपना एक लड़की है उसको बेहतर ही कर रहा है। और कौन बचा, आप वेस्टर्न वर्ल्ड, द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, उसमें भी कुछ इस तरह से मेजर नहीं लगता कि मैंने पूरे पढ़े हुए हैं। तो फिर एक ही है जहां पे वो, ऑफकोर्स मैं अपने आंसर को बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए माहौल बना रहा हूँ, लेकिन हकीकत भी ये है कि मर्डर इन कैथेड्रल में बात बोलते हैं कि इनको परेशान कर दो, मारने से अच्छा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स वी हैव ओनली टू कंकर, हमें सिर्फ जीतना है, जीत किसी भी तरह से हो सकती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये मर्डर इन कैथेड्रल का है जो स्टेंजाज है। अगला है, वुमेन अपसेट एवरीथिंग, बहुत पूछता मैंने बोला वुमेन अपसेट एवरीथिंग, तो वुमेन आ गया, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। तो वुमेन किसमें मैंने बोला, ठीक है दोस्तों, पिग्मेलियन, ठीक है। तो जब आप ये लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और गलती से भी अगर आपने गलत राइटर और गलत पोएम बता दी, वो प्ले बता दिया, तभी जीरो मिलेंगे, मैंने रात इस बात को बता दिया। एक बहुत ही अच्छा, जो बहुत ही अच्छा मैं ढूंढ रहा था, वो जो लाइन है, जो स्टेंजाज है, बहुत ही खूबसूरत स्टेंजाज है। वीडियो लंबी हो रही है पर क्या करें, अब साल भर का काम अगर आपको एक घंटे में बताना है तो टाइम तो लगेगा ही। ये कह रहा है, ओ दैट दिस टू, ये मैं लिखूंगा जरूर, ओ That this two solid, अच्छा जी क्या solid, flash would melt, तो खून है वो melt हो जाए और resolve itself into a dew, time बचने के लिए, और उसकी बूंद में चला जाए। ये खून की बात कौन कर रहा है, जब भी खून की बात हो कोशिश ये रहती है कि भाई हैमलेट में कुछ बवाल हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये जो लिखा गया है ये हैमलेट का, और मैं ये मिटा दूं ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। तो आप जो फ्लैश है, जो मीट है, चिकन है, जो मांस है मेरी बॉडी का चला जाए, टू सॉलिड ये ड्यू ओस में बदल जाए, इससे आप उठाएंगे, ठीक है। एक वर्ड आ रहा, आई शैल मेक अ डचेस ऑफ दिस ड्रैगल टेल्ड गटर स्नाइप, एक वर्ड है गटर, मैं यहां से उठा रहा हूं गटर, ठीक है, गटर स्नाइप, गटर, गटर का कहीं काम नहीं हो रहा, बस एक ट्रिक यही है कि कहते ना कि कहीं और से नहीं, वहां से उठा के उसको बनाया, गटर से उठा के मैंने इसको इतना ऊपर बनाया। इस पूरे हमारे प्लेस के अंदर सिर्फ एक पिग्मेलियन जगह ऐसी है, पिग्मेलियन एक ऐसा प्लेस जिसके अंदर ऐसा किया, किसी को जीरो से उठा के हीरो बनाया, ठीक है, हिगिन ने, ठीक है, प्रोफेसर जो हिगिन थे उन्होंने ये काम किया है। फिर बाकी डॉक्टर फॉस्टेस है, दे नो एंड डू नॉट नो, ये मैंने पहले आपको बता दिया। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स कर लेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना, पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, तो ये आपको बहुत मदद करेगा अगर आप ये वीडियो देख लें, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगली वीडियो में किसी और, अभी जो वीडियो इसके बाद बनाऊंगा थोड़ी और डिटेल के साथ, मैं क्वेश्चंस को और डिस्क्राइब करूंगा जैसा आप लोग बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करो ना, प्लीज करो, घंटी नहीं दबाई तो घंटी क्यों नहीं दबाई, घंटी दबाओ, घंटी दबाओगे तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मेरी मेहनत, ठीक है, संडे का दिन है, डिस्पाइट बिजी लाइफ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज पहुंचे, कल पेपर आपका,
तो प्लीज, और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ते तो प्लीज टाइम पे पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि दिक्कतें कम से कम हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।